भारतवासियों को प्राप्त हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो इन 5 वर्षों में आपने बदलती हुई देखी है और आज उसी के प्रति आपको जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, शाहबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए हरदोई जनपद ये सभी सीटें और शाहबाद की क्या अहमियत है आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं और इसी दृष्टि से अपने सभी कार्यक्रमों को आज जब मुझे बनाया गया पार्टी के द्वारा कि यहां आना ही है तो फिर मैंने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करते हुए कल सायंकाल को ही अपना कार्यक्रम यहां के लिए जारी किया और मैं आपका आभारी हूं कि 12 घंटे से कम समय में आपने इतने बड़ी तादाद में एकत्र होकर के श्रीमती रजनी तिवारी जी को चुनाव के पहले ही फिर से विधायक बनने के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया है। और भाइयों बहनों, यह आशीर्वाद आखिर मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करता है ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक के रूप में उन्होंने यहां के सुख दुख में सहभागी बनकर शासन की योजनाओं को यहां तक पहुंचा करके जो योगदान दिया है। भाइयों बहनों, याद करिए इन 5 वर्षों में 2 साल को कोरोना महामारी से जूझते हुए बीते हैं। कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है यहां पे? सभी लोग ले लिए हैं, अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, वैक्सीन तो देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है, लेकिन जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये बीजेपी वैक्सीन है, आज अपने वोट की जोर से करारा तमाचे मारे उनको कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से जान बचती है तो हम इसी बीजेपी को वोट देंगे। आज उनको बताने की आवश्यकता है। हर वेब कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। आपने देखा ना, कब थर्ड वेव आई कोरोना की, कब चली गई, कोई पता नहीं। आज आपने देखा होगा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को भी कोरोना हो गया है। अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, यूरोप के अंदर हजारों लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य इतना बेहतरीन हुआ कि हर एक व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। ये वैक्सीन हम सबके लिए जीवनदायिनी है और आपने वैक्सीन दिया, मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, वे लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनको जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना, मिलना है। महीने में 2 बार राशन और 1 बार दाल भी, रिफाइंड तेल भी और 1 पैकेट नमक भी मिलता है ना। मुझे एक बात बताओ, 2017 के पहले भी ऐसे मिलता था क्या? जो लोग ये बोलते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, क्या 2017 के पहले भी लोग बिजली देते थे क्या? हेलो बहनो, जो लोग अपने शासन काल में सत्ता में रहते हुए बिजली नहीं दे सकते थे, पैसा दे करके कोटे की दुकान से राशन नहीं दे सकते थे, क्या वे आपके संकट में सहभागी बन पाएंगे क्या? और यही एहसास कराने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, हम विकास कितना भी कर लें, इस विकास की सार्थकता तभी है
सत्ता कभी है भाइयों बहनों, जब इसकी सार्थकता कभी है तब सुरक्षा रहेगी। आप इस बात को मानते हैं ना? आज के प्रदेश में 5 साल में आपने कहीं दंगा सुना है क्या? 5 साल में कहीं दंगा हुआ? पहले तो हर तीसरे दिन दंगे होते थे, और पहले तो बिजली की भी जाति होती थी और मजहब होता था ना। याद करिए कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी, और होली और दीपावली में नहीं आएगी, यही होता था ना। आज तो ऐसा भेदभाव नहीं है ना। आज तो चाहे होली हो या दीपावली, ईद हो या मुहर्रम, या क्रिसमस हो या जन्माष्टमी और शिवरात्रि, आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली देने का कार्य डबलिजन की सरकार कर रही है, कर रही है ना। और देखिए, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं तो क्या लाभ होता है? जिन गांवों में आजादी के बाद बिजली नहीं गई थी वहां पर भी बिजली की लाइन बिछाई गई। जिन गरीबों के पास बिजली का कनेक्शन लेने के लिए पैसा नहीं था उनको भी बिजली का कनेक्शन फ्री में दिया गया। जिनके घर में रसोई गैस के सिलेंडर नहीं थे उनको फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करा दिए गए। जिनके राशन कार्ड नहीं थे उनको राशन कार्ड दे दिए गए। और यही नहीं, हरदोई में तो 60,000 परिवारों को एक एक आवास दिया गया है। 60,000 परिवारों को एक एक आवास मिला है ना। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आवास आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है, आज जो ये बिजली दे रही है, ये जो राशन दिया जा रहा है, जो ये शौचालय बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन दी जा रही है, ये 17 के पहले पैसा कहां चला जाता था? भाइयों बहनों, 17 के पहले यही पैसा इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। कहां जाता था? और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, इसीलिए तय किया है भाइयों बहनों, हमारा बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, इनके इत्र वाले मित्र की छाती पे भी चढ़ करके रगड़ने का काम भी करता है। क्योंकि ये लोग प्रदेश को लूटते थे, गरीबों को लूटते थे, और इसीलिए तय किया है बुलडोजर सड़क भी बनाएगा, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाएगा, और भ्रष्ट और बेमानों की संपत्ति को फिर से वापस सरकार के खजाने में भरने का भी काम करेगा। और इसलिए हम लोगों ने नया यंत्र विकसित किया। भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। याद करिए, 2017 के पहले जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसने 2013 में पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। एक दर्जन आतंकवादियों के मुकदमों को उन्होंने वापस लिया था। मैं आज पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं, उनको जनता की अदालत में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए घातक बने हुए आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का उस समय दुस्साहसिक कृत्य किया था। क्यों किया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हुए हमले का हो, काशी में संकट मोचन मंदिर में तो 28 निर्दोष लोग मारे गए थे, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन सभी घटनाओं के दोषियों को आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी श्री अखिलेश यादव ने। और मैं पूछना चाहता हूं, अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का सवाल
आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था पिछली बार भी। वह समाजवादी पार्टी का वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा का खिलवाड़ किया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि हम अपनी जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ और प्रदेश और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करें। लेकिन यह कुकृत्य समाजवादी पार्टी कर रही है और इसलिए भाइयों बहनों समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डलवाने के लिए सीधे सीधे उनके लिए कालीन बिछाने जैसा है और मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति ये भूल कभी नहीं करेगा। और मुझे लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं बमबाजी होती थी उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे उनको नहीं आएंगे। तो पहले से ही माता बहनों ने तय कर लिया है। लेकिन मैं आह्वान करूंगा अपने नौजवानों का भी, भाइयों बहनों हमने एक निर्णय लिया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया, हमने सरकारी नौकरी को बिना भेदभाव के दिया, सुरक्षा का जो बेहतर माहौल बनाया हमारे करोड़ों नौजवानों को उससे रोजगार भी मिला। हमने तय किया हमारा यूपी का नौजवान कोरोना कालखंड में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन उसकी पढ़ाई और उसकी तैयारी में कोई अंतर न पड़े इसलिए हम 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, हमारी सरकार ने तय किया। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट चुनावियों को कर दी, हमने भी तय किया है अभी तो 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को और देंगे ही नहीं, टैबलेट और स्मार्टफोन का खर्चा भी मां बाप को ना उठाना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल सकते थे कि दे तो रहे हैं लेकिन इसका खर्चा उठाएगा कौन, हमने कहा उसका खर्चा भी हम लोग उठाएंगे। चिंता मत करो, यूपी का नौजवान हमारा कहीं भटकने न पाए, उसको किसी के सामने हाथ न फैलाने पाए इसके लिए वह नौबत ही नहीं आने देंगे, हम उसको उसका खर्चा भी देंगे। और उत्तर प्रदेश का नौजवान स्मार्ट नौजवान बनेगा, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का नौजवान स्थान प्राप्त करेगा। और भाइयों बहनों जब अखिलेश यादव आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे थे ना, उनकी सरकार थी और हमारी सरकार, हमने पहला काम क्या किया था, पहला काम क्या था, अन्नदाता किसानों की ऋण माफी का। अकेले हरदोई के अंदर 1,22,847 किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 1,22,847। और भाइयों बहनों वर्तमान में 7,14,382 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले हरदोई में मिल रहा है। 60,000 गरीबों को यहां 1-1 आवास मिला है। और भाइयों बहनों 82,700 से अधिक निराश्रित महिलाओं को 12,000 रुपए पेंशन, सालाना पेंशन, 27,900 से अधिक दिव्यांगजनों को यहां पर पेंशन की सुविधा दी जा रही है 12,000 रुपए सालाना, और 1,42,495 वृद्धजनों को भी सालाना 12,000 रुपए
के पेंशन की सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं और सरकार ने यह भी तय किया है कि हर दीपावली और होली के अवसर पर अपने प्रदेश के जनधन अपने प्रदेश के उज्ज्वला योजना धारक सिलेंडर कैलेंडर जो उज्ज्वला योजना के जितने भी उपभोक्ता हैं उनको फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम करें। एक तरफ आतंकवाद की पोषक पेशेवर माफिया और धमकीबाजों को अपने यहां शरण देने वाली समाजवादी पार्टी है और उनका गठबंधन है और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। विकास के मुद्दे को लेकर, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर डबल इंजन की सरकार कई गुना स्पीड से बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है और इसलिए भाइयों बहनों आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आज सायंकाल प्रचार बंद हो जाएगा और प्रचार के बाद परसों 23 तारीख को आपको मतदान करना है। मैं यहीं से पूरे हरदोई वासियों से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने शाहबाद से श्रीमती रजनी तिवारी जी को, सवाईपुर से श्री मानवेंद्र प्रताप रानो को, हरदोई से श्री नितिन अग्रवाल को, गोपा बहु सुरक्षी से श्री श्याम प्रकाश जी को, सांडी से श्री प्रभात कुमार जी को, दिलग्राम बंदा से श्री आशीष सिंह आसू को, बारा बहु सुरक्षी से श्री रामपाल वर्मा को, संडीला से श्रीमती अलका अर्गवंशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं यही से हरदोई वासियों से अपील करूंगा, सुरक्षा विकास और सुशासन के मुद्दे पर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंच सके, सबका साथ सबके विकास के भाव को हम सार्थक कर सके, प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप आने वाले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए श्रीमती रजनी तिवारी का यहां से विधायक बनना आवश्यक है। सभी लोग सहमत है भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के लिए पहला काम मतदान का होगा, चुनाव के दिन पहला काम और फिर मतदान करेंगे, सबसे पहले जागरण करके ईश्वर आराधना करके पहला काम 7 बजे मतदान स्थल पर जाने का करेंगे। कमल के चुनाव चिन्ह से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे, एक साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।